केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भीड़, गर्भगृह में जाने पर लगी रोक, खराब मौसम की वजह से दिक्कतें, हेलीकॉप्टर उड़ान पर होगी निगरानी। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। केदारनाथ धाम में इस बार यात्रा के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। अभी तक केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 12 लाख के पार हो गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस संख्या के और भी अधिक होने की उम्मीद है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है जब पूरे सीजन में यात्रा में दर्शन करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यात्री उमड़े हों। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए गर्भगृह में जाने पर रोक लगा दी गई है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि 15 अक्टूबर तक श्रद्धालुओं के गर्भगृह तक जाने पर पाबंदी लगाई गई है। बताया जा रहा है कि धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालु सभी मंडप में पूजा अर्चना कर सकेंगे। भक्तों की भीड़ ने बनाए रिकॉर्ड। केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर इस बार हर महीने नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। बरसात खत्म होने के बाद देवभूमि में फिर से यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। सड़कों पर सुबह शाम यात्री वाहनों का रेला उमड़ रहा है, जबकि विभिन्न पड़ावों पर भी चहल पहल देखी जा रही है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग यात्रियों से गुलजार हो गया है, तो हेलीकॉप्टरों की गूंज से केदारनाथ घाटी भी गुंजायमान हो गई है। हर रोज 12 से 15 हजार यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। हेलीकॉप्टर उड़ान पर निगरानी। इस बीच केदारनाथ में विपरीत मौसम में हेली सेवाओं की उड़ान को लेकर नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि DGCA सख्त हुआ है। यात्रियों की शिकायत पर DGCA ने केदारनाथ घाटी पहुंचकर हेली कंपनियों और हेली सेवाओं का निरीक्षण किया। दरअसल DGCA को यह शिकायत मिली थी कि तेज बरसात और कम दृश्यता में भी हेली सेवाओं का संचालन हो रहा है, जो कि यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकता है। केदारनाथ यात्रा पर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।